ये सुबह का टाइम है, करीब 7 बजे का, तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी अभी। बस चाय बनाई थी मैंने, और तो मम्मी ने कहा मेरे लिए जीरे की दाल बना दे, और दूसरी गैस पे मैं गरम कर रही थी मलाई जमाने के लिए, और एक गैस पे बना रही थी मम्मी के लिए दाल, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, कह रही दाल पीने का मन है मेरा, तो दाल बना रही थी। सुबह ही स्टार्ट किया। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो अभी सुबह के 10 बजे हैं, और अभी मैं नहा के आई हूँ। आज है बृहस्पतिवार और मेरा व्रत है, तो मैं अभी बस पूजा करने जाऊँगी, नहा के आई थी। और तो सब सो रहे हैं, ज्योति भी सो रही है, मेरा बेटा भी सो रहा। मम्मी उठी थी, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मम्मी ने दाल बनवाई थी, और मम्मी दाल वाल पी के फिर मम्मी भी दोबारा सो गई। पापा ड्यूटी गए, पतिदेव भी सो रहे हैं हमारे, अभी कोई भी नहीं उठा है। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया, चादर उधर रह रही बैठ गई जब ये सो के ही नहीं उठे। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय, फिर जगाऊँगी इन्हें, तब तक 10:30 बज जाएंगे। तो अभी बस चलते हैं नीचे और कर लेते हैं पूजा। तो आज है हमारा व्रत, फिर आज फिर कल से देखेंगे सफाई वफाई करना स्टार्ट करेंगे दिवाली की। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, ये अपनी बनाई थी ग्लास में बगैर अदरक की, और ये अदरक की पकने लग रही थी, और इधर मैं बूंद रही थी थोड़ी सी मूंगफली घी में, और पूजा वूजा हो गई थी, तो बस मैं चाय बना रही थी और मूंगफली बूंद रही थी। तो यहाँ पे हमारी चाय तैयार होगी, आप भी आ जाओ पीने के लिए हमारे साथ। आज मेरे पास बिटी आई हुई है दिन में, अभी बजे हैं 1:30-1:30 बजे लेके आई थी मैं इसे, अरे सोने के लिए रो रही थी, और मैं इसे जब ससुला रही तो देखो गोदी में तो मज़े से कर रही है, और नीचे लेटाती हूँ तुरंत उठ जाती है। जैसे मुझे आलस आने लगता है कि बिटिया सोगी लब मैं लेटूँगी, जैसे सोचूँ कि नीचे बिस्तर में लेटाऊँ तो तुरंत उठ जाती है, आँख खोल के देखने लग जाती है, और गोदी में ये ले के सो रही है। तो देखो कितने मज़े से सो रही है गोदी में, तो ऐसे हिलाते रहूँगी तो सोती रहेगी, जैसे बिस्तर पे लिटाऊँगी तो तुरंत सिर होने लग जाएगी, इतनी शैतान है छोटी सी। और ये अगले दिन का वीडियो स्टार्ट हो गया, और यहाँ से हो गई है हमारी सफाई की स्टार्टिंग, तो दुछत्ती से कर रहे हैं हम अपनी सफाई की स्टार्टिंग। ये भी मेरा ही सामान है, ये मैं लेके जाऊंगी, किसी को नहीं दे रही, ये बंटा भी मैं ही लेके जा रही, ये ऊपर चढ़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं दुछत्ती की सफाई कर रही थी, पहले सारा सामान निकाला एक तरफ का, और फिर उधर से साफ किया, फिर उधर का रखा, ऐसे करके आधा आधा निकाल के साफ किया था। तो स्टार्टिंग यहीं से की, फिर नीचे गंदा हो जाता है बाद में साफ करो, तो मैंने कहा पहले दुछत्ती ही साफ कर देते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा के बर्तन वर्तन वैसे सामान रखा बहुत, इसके अंदर भी बहुत सारा सामान आ जाता है, पूरी भरी हुई थी तो खाली की के करके फिर साफ किया था, और फिर जचाई थी तो थोड़ी सी जगह भी हो गई थी, तो ये मैं यहाँ जचा दी, आगे से खाली भी हो गई, नहीं तो पूरी भरी हुई थी, जचा के रख। मैंने छाट लिया, बड़ी मुश्किल से छाटा है ये बड़ा लोटा, मैं जैसे ही मौका लगेगा इसमें एक बड़ा लोटा है वो ले लूंगी। दुछत्ती के बाद फिर मैं स्टोर में आ गई थी, तो ये बक्सा खोला था, इसमें साड़ियां भरी हुई थी सारे, मैंने मम्मी का देख कौन कौन सी है, फिर दोबारा से सही करके जचाया था खाली करके। बोटा वाला तो औरत का है, सबका अलग अलग है, सबके घर जैसे हमारे तीनों के है ना ऐसे ही है, लेकिन अंदर अंदर है, एक ही उसमें थी कॉलोनी थी, उसमें तीनों के ही है। तो बस बीच में खाना खाने लगी थी, ज्योति ने बनाए थे नमकीन चावल हो रहा था, तो बीच में खाना खाने लगी थी और फिर स्टोर साफ़ कर रही थी, तो यहाँ सारी टाइल वाइल साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो सारा सामान नहीं हटाया जाता, वैसे तो करते रहते हैं पर सारा तो नहीं हटता। और फिर ये पूरा यहाँ से पूरा स्लेब बर्तनों का भर गया था, क्योंकि सुबह से बर्तन नहीं धुले थे, और ज्योति कर रही थी साइड का, तो मैं स्लेब समेट रही थी, और मम्मी अंदर अपना कुछ रख रही थी, और आज खाली दुछत्ती और स्टोरी साफ किया था, और इतने सारे बर्तन हो रहे थे, अब यही समझ में नहीं आ रहा था स्टार्ट कहाँ से करूँ, पूरी स्लेब पे जगह नहीं थी, तो यहाँ मैंने सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं,
और साफ करके मैंने सारे सलेब पर रख दिए हैं। अब इन्हें जचाएंगे। ये बास्केट रेडी है, इसे उड़ लूँ फिर सारे सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी स्लेब साफ कर दिए, सारे बर्तन लगा दिए जहाँ जहाँ रखने थे, सब अच्छे से लगा दिए। और ये पापा सब्जी लेके आए थे तो ये भी धो के। तो अभी बनाऊंगी मैं मैक्रोनी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें डाल दिया है रिफाइंड। ये मैक्रोनी ऑयल करके रखी हुई है और ये सामान भी रख लिया बनाने का। ये शिमला मिर्च और प्याज कट करके रखी है। तो चलो बना लेते हैं, कढ़ाई भी गर्म होगी हमारी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है कढ़ाई में, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्की हल्की फ्राई होएगी। फिर इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी है, इवन थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। फिर उसके बाद डालेंगे मैक्रोनी, ये भून जाएंगे तब। तो अभी मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और डाल देते हैं मिर्ची वगैरह जो भी डालना है। तो थोड़ी सी मिर्ची और नमक, नमक और मिर्ची डाल दिया, थोड़ा सा डाल देते हैं सोया सॉस। अब मैं इसमें डाल देती हूँ केचप। तो बस यहाँ पे हमारी मैक्रोनी बनके तैयार होने वाली है 5 मिनट तक। मैं आज पे ऐसे ही भून लेते हैं, पलट देते हैं, अच्छे से सब मिक्स हो जाएगा और फिर हो जाएगी मैक्रोनी तैयार। तो यहाँ पे हमारी मैक्रोनी बनके तैयार होगी। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ मैक्रोनी खाने के लिए। आज संजीव के कहने से मैक्रोनी बनी है, लेकिन कहा तो उसने पास्ता था, लेकिन पास्ता की म्यूनी ख़त्म हो रखी थी, फिर मैंने मैक्रोनी बना दी। मैंने कहा फिर किसी दिन बना दूंगी पास्ता। तो चलो अब खा लेते हैं हम गरम गरम मैक्रोनी। हेलो फ्रेंड, तो आज से हो गई हमारी दिवाली की सफाई स्टार्ट। तो मैंने आज दूधसती से सफाई स्टार्ट किया था, क्योंकि सबसे पहले वहीं से कर देती हूँ, क्योंकि फिर जिस नीचे कमरे की करूँगी कल या परसों जब भी करूँगी तो फिर ऊपर से बाद में करो तो सारा नीचे गिरता गंदा हो जाता है। तो आज दूधसती साफ़ कर दी और जो किचन के अंदर स्टोर है वो वाला साफ़ कर दिया। तो काफ़ी देर हो गई थी पहले सफाई करी, बीच में खाना वाना भी खाया और फिर काम निपटाया सारा। कुछ भी करो तो पूरा फैल जाता, समझ में ही नहीं आता फैला तो देते हैं फिर कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सुबह सारा काम समेटा, फिर शाम को भैया कहने लगा मम्मी पास्ता बना दो। फिर देखा तो मैंने कहा पास्ता की तो बेटा क्रीम ख़त्म हो रखी है मैंने, अब कौन लेके आएगा, तो मैक्रोनी बना देते हैं। तो फिर शाम को मैंने मैक्रोनी बनाई थी, तो कई दिन बाद बनाई थी, टेस्टी भी बनी थी। और हमने तो मैक्रोनी ही खा ली थी, रोटी भी नहीं खाई थी, बस पापा की और संजय की बनाई थी, हमने खा ली थी मैक्रोनी। और आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच किया करो और लाइक भी किया करो। हम थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बना के वीडियो इकट्ठा करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ एक लाइक करके जाया करें जो भी वीडियो पे आए। और मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।